नमस्कार दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6000 रुपये उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं। यह पैसा 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। 1 अगस्त से 6ठी किस्त किसानों के अकाउंट में आनी शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर किस्त का पैसा नहीं आया है तो क्या करना है, और अगर आप अपना नाम लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो कैसे अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जानकारी बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं नॉलेज कोश, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। आइए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, सरकार ने किसानों की परेशानी को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके द्वारा सरकार जिन किसानों तक किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है फोन के द्वारा उनकी समस्याएं सुनती है और उनका समाधान किया जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आने वाली किसी भी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसे दूर करना है यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी समस्या इस हेल्पलाइन नंबर पर बता सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और रिजोल्व करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ही अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी लिस्ट को चेक करने के लिए आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, लिस्ट चेक करने के लिए जाएंगे गूगल पर और वहां पर जाकर टाइप करेंगे पीएम किसान, जैसा कि मैंने पहले ही टाइप किया हुआ है। यह कुछ इस तरह का सर्च रिजल्ट आपके सामने आएगा, जिसमें आपको सबसे पहली जो वेबसाइट दिखाई दे रही है pmkisan.gov.in, यहां पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलता है, जिसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां पर आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर फार्मर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें आपको लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलता है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर हरियाणा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना विलेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों ये आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आपको सभी फार्मर्स के नेम मिल जाएंगे। यहाँ पर साइड में उसके जेंडर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप देख पाएँ सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।